हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष कुमार सिन्हा, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर ऑफ देवी पब्लिक स्कूल सिसिलगुड़ी। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो क्लास। हियर इन दिस वीडियो क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। सो विदाउट फर्दर गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before going to start our story, students, we will go through, we will learn this before you read. This is the introduction of the story. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? Do you like homework, students? क्या आपको homework पसंद? Do you do it yourself? क्या अपने homework को आप खुद से करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या फिर अपने होमवर्क को करने में आप मदद लेते हो? वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, कौन सा होमवर्क आपको अक्सर मिलता है? सो नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी माई डियर स्टूडेंट्स, एंड लुक एट द स्टोरी वेरी केयरफुली, पे अटेंशन टू मी, पे अटेंशन टू द स्टोरी केयरफुली माई डियर स्टूडेंट्स। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस स्टोरी। Patrick never did homework. This is the central character of this story. Patrick is a boy who never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? Because he hated homework. Patrick is a central character of this story. Patrick जो है इस स्टोरी का सेंट्रल करेक्टर है। इस स्टोरी में पैट्रिक के बारे में बताया गया है जिसको होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क बिकॉज ही फाउंड इट बोरिंग, क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना काफ़ी बोरिंग लगता था। होमवर्क करने के बजाय जो है वो खेल कूद में, आउटडोर गेम्स पर ज़्यादा फोकस करता था। इंस्टेड ही प्लेड आउटडोर गेम्स लाइक हॉकी एंड बास्केटबॉल, एंड ही ऑल्सो लाइक्ड टू प्ले वीडियो गेम्स। ही ऑल्सो लाइक्ड टू प्ले वीडियो गेम्स लाइक निंटेंडो। उसको एक वीडियो गेम भी काफ़ी अच्छा लगता था, निंटेंडो। यानी कहने का मतलब है कि पैट्रिक को जो है होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही ऑल्सो लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स। हिज टीचर वॉर्न्ड हिम टू कम्प्लीट हिज होमवर्क, अदरवाइज ही वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनी थिंग। उसके टीचर्स उसको हमेशा वॉर्न करते थे कि उसे होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं पाएगा। इट वॉज अ फैक्ट बिकॉज एट टाइम्स ही यूज टू फील लाइक एन इग्नोरेंट पर्सन हु वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड। ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज एंड होमवर्क। इट वॉज अ फैक्ट बिकॉज एट टाइम्स, ये बिल्कुल सही बात था, क्योंकि कभी कभी जो है उसको ये फील होता था कि वो एक इग्नोरेंट पर्सन है। दैट मीन्स इग्नोरमस मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, एक इग्नोरेंट पर्सन जिसमें एजुकेशन का अभाव है, जिसमें एजुकेशन की कमी है। तो वो इग्नोरेंट पर्सन अपने आप को वो फील करता था कभी कभी, जो बिल्कुल हु वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस इन दिस रिगार्ड, जो इस रिगार्ड में जो है इसमें जो था वो काफ़ी अपने आप को हेल्पलेस फील करता था, इग्नोरेंट अपने आप को फील करता था, क्योंकि उसके पास एजुकेशन की कमी थी। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़ एंड होमवर्क, क्योंकि उसको स्टडीज़ और होमवर्क में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से काफ़ी हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट
देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. ही येल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट आई विल ग्रांट यू अ विश आई प्रोमिस यू दैट. अब यहाँ पर एक दिन पैट्रिक वन डे ही ऑब्जर्व्ड हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल. एक दिन पैट्रिक जो है वो देखता है कि उसकी बिल्ली जो है वो एक डॉल के साथ खेल रही है एंड वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड दैट इट वॉजंट अ डॉल. और काफ़ी सरप्राइज हो जाता है पैट्रिक जब वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी बिल्ली जो है वो एक डॉल के साथ खेल रही है. तो वो इस बात को देखकर काफ़ी सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक स्मॉलेस्ट साइज का एक टाइनिएस्ट साइज का मैन है. इट वॉज वेयरिंग अ वुलन शर्ट विथ एन ओल्ड फैशन ट्राउजर एंड अ टॉल हैट विच मेड हिम लुक लाइक अ विच. जो एक वुलन शर्ट पहना हुआ था और एक ओल्ड फैशन का ट्राउजर पहना हुआ था और एक लंबा सा टोपी पहना हुआ था जो बिल्कुल उसको विच की तरह बना रहा ना बिल्कुल वो विच की तरह देखने WITCH विच बिल्कुल विच की तरह देखने में लग रहा था. ऐसे विच का मतलब होता जादूगर जादूगरनी डायन चुड़ैल ये विच का मीनिंग होता. बिल्कुल उसी की तरह वो आदमी वो टाइनिएस्ट साइज वाला जो मैन जो था बिल्कुल उसी की तरह देखने में लग रहा था. द डॉल क्राइड एंड रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम एंड नॉट टू सेंड हिम बैक टू द कैट. वो डॉल जो है वो चिल्लाता है वो डॉल नहीं मैं फिर से आपको कहता हूँ वो डॉल नहीं था बल्कि वो टाइनिएस्ट साइज का एक मैन था जो एक लंबा सा वूलन शर्ट पहना हुआ था ओल्ड फैशन ट्राउजर पहना हुआ था एक टॉल हैट पहना हुआ था विच मेड हिम लुक लाइक अ विच. सो वो क्राइड वो चिल्लाता है रिक्वेस्ट करता है पैट्रिक से कि उसके लाइफ को बचाए उसको नॉट टू सेंड हिम बैक टू द कैट. बिल्ली को नहीं दे दे नहीं तो वो बिल्ली जो है उसको वो खा जाएगी मार डालेगी. इन रिटर्न द डॉल प्रोमिस्ड पैट्रिक टू फुलफिल हिज विश. इसके एवज में डॉल जो है वो पैट्रिक को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा विश को पूरा करूँगा जो तुम्हारा इच्छा होगा मैं तुम्हारे इच्छा को मैं पूरा करूँगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 days इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट्स A grade. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A. Patrick couldn't believe his luck to have the answer to all ऑफिस प्रॉब्लम्स हियर. अब पैट्रिक को विश्वास नहीं हो सका कि वो कितना लकी था क्योंकि उसके पास जो उसके प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था उसके सभी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल गया था. वो उस विच से कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर तक कर दोगे सेमेस्टर के एंड जो 35 डेज का होता है ठीक है ना वो 35 डेज का जो सेमेस्टर होता है उस समय तक मेरा अगर तुम होमवर्क कर दोगे इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब अगर तुम ये काम करते हो तो निश्चित तौर पर मैं ए ग्रेड ले आऊँगा. दैट मीन्स इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर पैट्रिक्स टू एक्सेप्ट दैट ही वॉज सो फॉर्चुनेट टू गेट एन आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स टू गेट एन आंसर और सोल्यूशन टू ऑल हिज डिफिकल्टीज थ्रू दिस टाइनी मैन. यानी इस टाइनी मैन के जरिए जो है उसके सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने के लिए जा रहा था
उसके सभी क्वेश्चंस का उसको आंसर मिलने जा रहा था, वो काफ़ी लकी अपने आप को फील कर रहा था। इसलिए उस टाइनीस्ट मैन से, स्मॉल साइज वाले मैन से वो कहता है, इफ़ ही कुड डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ 35 डेज टू हेल्प हिम स्कोर ए ग्रेड। एंड पैट्रिक वॉज थिंकिंग दैट विथ एल्फ्स हेल्प ही कैन इम्प्रूव हिज ग्रेड्स। अब पैट्रिक सोच रहा था कि उस एल्फ के मदद से मैं ए ग्रेड अपने क्लास में ले आऊँगा। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रॉन इन द हैम्पर, ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू दैट। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रॉन इन द हैम्पर। After hearing this, the little man's face gave a look of cloth lying in the basket used for washing dishes. अब इस बात को सुनने के बाद वो छोटा आदमी जो था, वो लिटिल मैन जो था, उसका चेहरा बिल्कुल उस कपड़े की तरह हो गया जिस कपड़े का यूज बर्तन धोने के लिए किया जाता है। He kicked his legs and doubled his fists and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do that. उसका चेहरा बिल्कुल उस कपड़े की तरह हो गया जिसका यूज़ बर्तन धोने में किया जाता है। He showed his disapproval for the work by kicking legs, doubling his fists and making unhappy faces. He asked if he was that unfortunate to do that task. बट ही प्रोमिस्ड टू डू द वर्क। लेकिन अब उस छोटे से आदमी के पास कोई चारा ही नहीं था, उस लिटिल मैन के पास कोई चारा ही नहीं था पैट्रिक के उस प्रस्ताव को, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को छोड़कर, और उसके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए वो अपने डिसअप्रूवल को शो करता है, क्या करके, बाय किकिंग हिज लेग्स, अपने पैरों को मारकर, डबल्ड हिज फिस्ट, घूंसे लगाकर अपने ऊपर, मेकिंग अनहैप्पी फेसेस और अपने चेहरे को बनाकर जो है वो अपने भाग्य को कोसता है। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, सो ही प्रोमिस्ड टू डू द वर्क ऑफ पैट्रिक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he would say, and Patrick would have to help in whatever way. Now in the second para, students, and keeping his words, the elf, supernatural creature, elf is the supernatural creature. And keeping his word, the elf started doing his homework. But sometimes he needed help, as he didn't know all things. Then Patrick had to help him. Sometimes while reading Patrick's homework, the elf would say, crying aloud, that he doesn't know the meaning of that word. So give him a dictionary or something that can help him to identify the sound of each letter as well as word. That means I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. That means अपने promise को रखने के लिए elf जो है उसके काम को, उसको homework करना शुरू कर देता है. But sometimes he needed help, as he didn't know all things. क्योंकि वो सभी चीज़ों को नहीं जानता था, वो एल्फ जो था वो सभी चीज़ों को नहीं जानता था, इसीलिए उसको कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती थी. Then Patrick had to help him, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी. Sometimes while reading Patrick's homework, the elf would say crying aloud that he doesn't know the meaning of that words. Then Patrick had to help. हाँ, तो कभी कभी जो है while reading पैट्रिक्स होमवर्क, कभी कभी एल्फ को जो है पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ने के लिए
जब एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता था तो वो चिल्लाता था, कभी कभी एल्फ क्राई करता था, वुड क्राई अलाउड दैट ही डजंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, सो गिव हिम अ डिक्शनरी और समथिंग दैट कैन हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द साउंड ऑफ ईच लेटर एज वेल एज द वर्ड. यानी कभी कभी पैट्रिक के होमवर्क को जब एल्फ पढ़ता था तो उसको कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आता था, जिसके लिए वो जो है वो डिमांड करता था पैट्रिक से डिक्शनरी का, मेरे को डिक्शनरी ला के दो, डिक्शनरी में ये वर्ड खोज के दो, यानी डिक्शनरी में ये वर्ड को सर्च करो क्योंकि इसका मीनिंग मेरे को पता नहीं है, इसका मीनिंग मेरे को पता नहीं है. यानी पैट्रिक से ही वो एल्फ सब काम करवा रहा था क्योंकि एल्फ को उस लिटिल मैन को कुछ आता ही नहीं था, वो तो पैट्रिक से ही सब काम करवा रहा था. इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क कौन किया था, खुद पैट्रिक ही कर रहा था अपना होमवर्क. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it is a mystery. So the little elf, already a shouter, just go louder. Go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too. Now in this paragraph, students, the elf knew nothing of maths. All concepts of maths were completely strange or odd things for him. अब इस पैरा में जो है एल्फ को मैथ्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं आता है. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf striked. We elves never did that. यानी एल्फ knew nothing of maths. All concepts of maths were completely strange or odd things for him. Patrick was unfortunate in this matter. यानी पैट्रिक अपने आप को इस मैटर पर अनफॉर्चुनेट फील कर रहा था. अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य समझ रहा था अपने आप को वो, क्योंकि एल्फ मैथ्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैथ्स के कंसेप्ट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता था. देवर कम्प्लीटली स्ट्रेंज एंड ऑड फॉर दैट लिटिल मैन, उस लिटिल मैन के लिए वो बिल्कुल अलग था, वो मैथ्स बिल्कुल मैथ्स उस एल्फ को नहीं आता था. तो इस बात को सोचकर जो है पैट्रिक कहता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ लक है, वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है. Elf explained that elf never needed mathematical concepts like addition, subtraction, division, fraction. Elf जो है वो पैट्रिक को ये एक्सप्लेन करता है कि एल्फ्स को जो है वो मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं आता, ना ही उसको एडिशन आता है, ना सब्ट्रैक्शन आता है, ना डिविजन आता है, ना फ्रैक्शन आता है. सो पैट्रिक हैड टू सीट नेक्स्ट टू हिम टू गाइड. इसलिए पैट्रिक को जो है एल्फ के बगल में बैठ कर जो है एल्फ की मदद करनी पड़ती थी, उसको मैथ्स में गाइड करना पड़ता था एल्फ को, क्योंकि एल्फ मैथ्स के बारे में कुछ जानता ही नहीं था. इवन ही डिडंट नो एनीथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इट वॉज कम्प्लीटली अगेन स्ट्रेंज टू हिम. जब हिस्ट्री की, जब ये तो मैथ्स का बात हो गया, जब हिस्ट्री का बात आया तो बिल्कुल एल्फ को हिस्ट्री के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था, बिल्कुल वो हिस्ट्री सब्जेक्ट भी एल्फ के लिए स्ट्रेंज था. इसलिए पैट्रिक को ही जो है सब कुछ करना पड़ रहा था. As a matter of fact, every day in every way that little elf was nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag? He was staying up at nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. As a matter of fact, every day in every way that little elf was nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Now here in this paragraph, actually the little creature was either troubling, complaining or asking Patrick to do something or the other all the time.
पैट्रिक वॉज नॉट एबल टू स्लीप एंड वॉज अवेक फॉर नाइट टूगेदर. ही हैड नेवर फेल्ट सो टायर्ड बिफोर एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज डल लुकिंग आइज. इस पैरा में जो है पैट्रिक एक्चुअली द लिटिल क्रिएचर वॉज आइदर ट्रॉबलिंग कंप्लेनिंग और आस्किंग पैट्रिक टू डू समथिंग और द अदर ऑल द टाइम. इस पैरा में लिटिल क्रिएचर जो एल्फ जो रहता है वो पैट्रिक से ही सब काम करवाता है. पैट्रिक को ट्रबल देता है, कंप्लेन करता है, पैट्रिक को कहता है कि ये करो मैथ्स में, ये करो हिस्ट्री में, ये करो. यानी टोटल काम जो है पैट्रिक ही कर रहा था, वो एल्फ कुछ नहीं कर रहा था. टोटल जितना भी काम है, जितना भी वर्क है, जितना भी होमवर्क है, एक्चुअली द लिटिल क्रिएचर वॉज आइदर ट्रबलिंग कंप्लेनिंग और आस्किंग पैट्रिक टू डू समथिंग और द अदर ऑल और अदर ऑल द टाइम. And Patrick was not able to sleep and was awake for nights together. अब Patrick जो है बिल्कुल सो नहीं पा रहा था और लगातार जो है रात रात भर जग कर जो है वो एल्फ की मदद करता था. एल्फ की क्या मदद करेगा, वो खुद अपना होमवर्क, अपना वर्क जो है, स्टडी जो है, वो अपना होमवर्क खुद से करता था सभी सब्जेक्ट्स का. और स्कूल जब जाता था तो उसकी आँखें काफ़ी पफ्ड हो जाती थी. That means Patrick was going to school with his dull looking eyes. अब रात को सोएगा नहीं तो आँख तो फूलेगा ही, आँख तो पफ्ड होगा ही, डल होगा ही, क्योंकि it was Patrick who was doing his homework. Finally the last day of school arrived and the little elf was free to go. As for homework there was no more. So he quietly and slyly slipped out of the black door. Finally, it was the last day of school and the elf had complete freedom to go as there was no more homework to do. So without speaking anything, in a secretive manner, he moved out from the back door. Last day, finally, the last day aaya school ka. Elf usi din ka intezaar kar raha tha. लास्ट डे आएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँ, सेमेस्टर का एंड होगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अब होमवर्क करने के लिए कुछ था नहीं, सो फाइनली इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड द एल्फ हैड कंप्लीट फ्रीडम टू गो एज देर वॉज नो मोर होमवर्क टू डू. एल्फ को आज़ादी मिल गई थी जाने की, क्योंकि अब होमवर्क करने का बिल्कुल नहीं था. So without speaking anything in a secretive manner, he moved out from the back door. इसीलिए बिना कुछ कहे हुए जो है वो चुपके से जो है elf पीछे वाले दरवाजे से निकल कर चला जाता, भाग जाता है. Patrick got his A grade. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, did his work, and was cheerful. Never viewed like he had developed a whole new attitude. अब क्या है कि Patrick को जो है अपना मैंने Patrick A grade स्कूल में ले ले पा लेता है. Patrick is Patrick achieved A grade. His classmates were very surprised. Teacher were full of appreciation and parents were trying to know what made him so perfect. What had happened to him? He became an exemplary child, model kid who cleaned his room himself, did all his work, became a happy child who was never viewed and developed a complete new self and look. यानी अचानक से जो ये पैट्रिक में बदलाव आया था सभी लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि पैट्रिक जो है सबसे पहले पैट्रिक तो ए ग्रेड पाया अपने क्लास में, उसके क्लासमेट्स भी काफ़ी सरप्राइज हो गए, टीचर्स भी अप्रिसिएट किए, पेरेंट्स भी इस बात को, उसके पेरेंट्स पैट्रिक के पेरेंट्स भी इस बात को जानना चाहते थे कि ऐसी वो कौन सी बात है जिसने पैट्रिक को इतना परफेक्ट बना दिया, क्या ऐसा क्या हो गया, क्या जादू हुआ, क्योंकि पैट्रिक जो था वो एक मॉडल किड बन गया था पूरे स्कूल, पूरे क्लास के लिए, पूरे स्कूल के लिए.
खुद से अपना कमरा साफ करता था, अपने होमवर्क को खुद से करता था, अपने वर्क को खुद से करता था और हमेशा वो खुश रहता था, कभी रियूड नहीं होता था, कभी वो रियूड नहीं होता था पैट्रिक, और डेवलप्ड अ कंप्लीट न्यू सेल्फ एंड लुक। मैंने पैट्रिक का एटीट्यूड ही बिल्कुल बदल गया था, उसका अप्रोच ही बिल्कुल बदल गया था और वो एक मॉडल किड बन गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। अब कंक्लूडिंग क्या होता है, कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखिए। आई वुड लाइक टू से दैट इट वॉज नॉट द एल्फ बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु डिड हिज वर्क, द एल्फ जस्ट प्रोपेल्ड हिम टू डू एवरीथिंग। एंड में क्या होता है कि पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक सोचता है कि मैंने अपना सब काम जो है उस टाइनी मैन से करवाया था, उस छोटे से विच से करवाया था, उस छोटे से मैन से करवाया था, टाइनी मैन स्मॉलेस्ट जो उसके घर में वो टाइनी मैन आया था उससे उसने अपना उस पर्सन से उस मैन से पैट्रिक ने अपना काम करवाया था। बट एक सीक्रेट मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजन दैट पैट्रिक हैड डन इट्स हिमसेल्फ। वो टाइनी मैन नहीं था जो पैट्रिक का काम किया था, पैट्रिक का होमवर्क किया था, पैट्रिक के स्टडी में हेल्प किया था, बल्कि वो खुद पैट्रिक था जो अपना काम किया था। इट वॉज पैट्रिक हु हिमसेल्फ कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क, द एल्फ जस्ट प्रोपेल्ड हिम टू डू एवरीथिंग, द एल्फ जस्ट प्रोपेल्ड हिम टू डू एवरीथिंग। सो माई डियर स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज ओवर। आई होप यू विल लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।